बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 12.3 कर रहे हैं सेकंड ईयर का। तो इसमें जो है स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू, इसकी वैल्यू ये है, इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर के डिस्टेंस पे। हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना फ्रॉम द ओरिजिन ऑन जी एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस बी मेंशन है, ठीक है। तो हम इस एक्सिस को भी लेके चलेंगे। अगर हम देखें तो एक्स को जो है वो हम डायरेक्शन जो करने के लिए आई कैप यूज़ करते हैं, वाई के लिए हम जे कैप यूज़ करते हैं, और जी के लिए के कैप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के कैप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने जो है डाटा राइट कर लेते हैं। क्यों जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं। क्यू की वैल्यू लिखेंगे, आर की वैल्यू जो कि डिस्टेंस है, और ई का जो है फार्मूला लगाएंगे। ई के हम दो फार्मूलाज यूज़ करते हैं, एक तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटेंसिटी का ये फार्मूला होता है, और एक जो है जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है एक हम एफ ओवर क्यू वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं। मोस्टली ये दो ही यूज़ होते हैं, तो हम खैर यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर के कैप भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें मैंशन किया हुआ है जी एक्सिस, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला में के की वैल्यू पुट कर देंगे। के एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है 9 × 10⁻⁹, और जो क्यू है वो इसकी वैल्यू ये रही, और आर की जो है वो 2 है, ठीक है। इसका स्केयर आ जाएगा 2 का। 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन एज इट इज़ लिखा जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 8 था 72, और बेस सेम्स है यहाँ पे 10 10 की, तो पावर्स हम ऐड कर देंगे।